अस्सलाम वालेकुम माई व्यूअर्स, वेलकम टू फराज किचन। हाँ जी, आज फराज किचन में मैं झटपट, हमारा पिज़्ज़ा खाने पे मूड था, जो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी उनसे मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया है और पिज़्ज़ा स्लाइस यूज़ किए हैं और पाइनएप्पल हवाई पिज़्ज़ा समझ लें ये कह लें, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी मैंने अपनी ऐड की है। चले देखते हैं कैसा बना है पिज़्ज़ा डो। मैं आज ईस्ट को मैंने अलहदा से नहीं किया है, गर्म पानी में मैंने इसी में ईस्ट शामिल कर दी है और अब ये मैंने आटा गूंद लिया और इसको अब मैं 20 मिनट्स के लिए गर्म स्पेस पे रख देंगे ताकि ये फूल जाए। पिज़्ज़ा सॉस जो हम फौरी फौरी बना रहे हैं मेरे पास पहले नहीं है, अब मैं केचप से बनाने लगूँ। प्याज मैंने थोड़े से लिए हैं, ये है हमारा गार्लिक और रेड चिली है, होल चिलीज है, और इसमें हम डालेंगे केचप। ये एमरजेंसी पिज़्ज़ा सॉस है और इसमें मैं डालूंगी स्पाइसेस अपने रेड चिली, ये ब्लेंड हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करती हूँ तो ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। और इसमें बाद में ब्लेंड करने के बाद इसमें डालेंगे जी ओरिगानो, ज़रा ये पक जाए फिर इसे ब्लेंड कर ले। ये मैंने सॉस से इसे पका ली है, केचप पक गया, अब इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने सॉस ब्लेंड कर ली है और इसमें मैं एक टेबलस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ और इसमें डालूंगी अब ओरिगानो, ओरिगानो हाफ टी स्पून। इसे अब पकाएंगे तो हमारी सॉस स्पीडी पिज्जा सॉस रेडी है। ऑफ सॉल्ट, पिज़्ज़ा पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और अब इसमें हमारा डो जो है वो तकरीबन रेडी है। डो रेडी है, मैं पहले चूँकि इसकी रेसिपी आपको सिखा चुकी हूँ, दो तीन दफ़ा मैंने पिज़्ज़ा बनाया इसलिए आज मैंने ऐसे नहीं दिखाया फुल। और अब इसको मैं गूंद लेते हैं, ये देखें फूल गई है। अब इसको दोबारा से गूंदते हैं और पेड़ा बनाते हैं। झटपट रेसिपी है, घर में जो भी बची हुई चीज़ें हैं या चीज़ है थोड़ी बहुत जो आप यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हीं से मैं ये आज बना रही हूँ। मेरे पास चीज़ स्लाइस पड़े हुए थे और झटपट बच्चों की फरमाइश हो, जो जो चीज़ें अवेलेबल हों इजीली आप उन्हें घर में बना सकते हैं। इसका पेड़ा किया और अब इसको हम इसकी ब्रेड बेल के पिज़्ज़ा पैन में लगाते हैं। झटपट रेसिपी है, झटपट। ये पाइनएप्पल क्यूब्स हैं, आज मैं हवाई पिज़्ज़ा बना रही हूँ। सारी रेसिपी टिक्का पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर किया हुआ है, फजीता, और आज बन रहा है पिज़्ज़ा हवाई पाइनएप्पल के साथ। आप इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ पाइनएप्पल ही ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी आपके सामने अभी अभी झटपट बनाई है, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो जल्दी से बनने के लिए तो मैंने ये शॉर्टकट लिया। सारा ये छोटा वाला टिन था, ये सारा पाइनएप्पल इसमें लग गया। स्लाइसेस हैं चीज़ के, मोज़रेला चीज़ है, जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल थी। फौरी फौरी हमारा मूड हुआ और हमने ये, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और ये बहुत ये देखें ये भी कवर हो गया और ऊपर हम थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रेड कर देते हैं। चलिए अब इसको ओवन में रखते हैं। जी व्यूअर्स, पिज़्ज़ा रेडी है, ट्राई करते हैं, प्लेटों में सर्व करते हैं और देखते हैं कैसा बना है पिज़्ज़ा स्लाइस चीज़ के साथ। ये देखें अंदर से इसकी लेयर्स और पाइनएप्पल और चीज़। अब मैं खाकर बताती हूँ कि ये कैसा बना है।
ब्रेड देके 20 मिनट मैंने ओवन में लगाया है और हमारा पिज़्ज़ा रेडी है।